अपन बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपको शरीर के सारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो कैल्शियम को हमारे हड्डियों और दांतों से विशेष रूप से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम हमारे दिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारी मसल्स और हमारे ब्लड के लिए भी बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी में प्ले करता है। दोस्तों जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हमें यानी कि इनिशियल स्टेज यानी कि तुरंत तो हमें कोई पता नहीं लगता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अत्यधिक कैल्शियम की कमी हो जाती है यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है तब हमें पता लगने लगता है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम है। तो हम चेकअप कराते हैं तो पता लगता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। इन सारी बातों से जो प्रॉब्लम होती है उस और हम लोगों को जितने कैल्शियम की जरूरत होती है उतना कैल्शियम हम लोग नहीं ले पाते हैं। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि एक आम आदमी को हमेशा 800 से 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन जब भी हम जितना खाना पीना करते हैं उसके अनुसार हमारे को 429 मिलीग्राम ही कैल्शियम प्रतिदिन हम ले पाते हैं। कहने का मतलब है कि हम जो खान पान करते हैं उसका 50% हमें बॉडी में हमेशा कैल्शियम मिलता है। अब देखते हैं हमारे बॉडी में जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे ताकि हम तुरंत सावधान हो जाएं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सिम्टम है क्रैम्प, यानी कि मरोड़। हमारे शरीर के अंदर ऐंठन आने लगते हैं यानी कि मरोड़ आने लगते हैं और हमारे शरीर में खिंचाव आने लगता है, हमारी पिंडलियों में भी खिंचाव आने लगता है। हम खाना पीना भी हमारा न्यूट्रिशन भी अच्छा है और हमारी नींद भी पूरी है, फिर भी हमारे को ऐसी अगर प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो हो सकता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी डेवलप हो रही है। इसका दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है दर्द। जब हमारे शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होने लगता है यानी कि हमारे हाथों की फिंगर्स के अंदर दर्द होता है, पैरों में भी दर्द होता है, हमारे सारे जॉइंट्स में पेन होता है और हमारी नेक यानी कि हमारे गर्दन में भी दर्द होता है और हमारी कमर में भी दर्द होने लगता है। अगर इस प्रकार के अगर आपको सिम्टम देखने मिलते हैं तो हो सकता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी डेवलप हो रही है, तो हमें जरूर एक बार चेक कराना चाहिए। और इसके अलावा जिन महिलाओं के अंदर PMS की प्रॉब्लम होती है यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है और उन महिलाओं के अंदर जो पीरियड्स आते हैं तो उनके पीरियड से पहले यानी कि जो मासिक धर्म से पहले ही उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनके एब्डोमन मसल्स के अंदर क्रैम्प आने लगते हैं यानी कि मरोड़ चलने लगते हैं, इस प्रकार की उनको प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेकिन एक रिसर्च के अंदर देखा गया है कि उन महिलाओं के जिनके पीरियड के समय उनको दर्द होते हैं तो उनको एक निश्चित मात्रा में कैल्शियम देके उनकी जांच की गई तो देखा गया कि उनके PMS कम होने लगे यानी कि उनके जो पेट में दर्द था वो कम होने लगा यानी कि उनका PMS कम होने लगा। तो PMS का संबंध भी कैल्शियम से हो सकता है। और जिन लोगों के अंदर शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है, जो लोग थोड़ा बहुत फिजिकली वर्क करते हैं तो बिल्कुल थक जाते हैं, उन लोगों को टेंशन भी नहीं है, उनकी नींद भी ठीक है, फिर भी उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है और तो उनको को भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। अब स्किन रिलेटेड अगर अपन सिम्टम्स देखते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन सूखी हो जाती है और उसके अंदर स्केलिंग होती है यानी कि हमारी डेड स्किन झड़ने लगती है और इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और हमारी स्किन के ऊपर जब भी थोड़ा सा भी अपन स्क्रैच अपने फिंगर से स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पे रेड या व्हाइट लाइन दिखने लगती है, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। और जब नाखून की बात करते हैं तो हमारे नाखून जब कैल्शियम की कमी होती है तो ब्रटल होने लगते हैं, टूट के झड़ने लगते हैं और नाखून की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती है, तो हो सकता है कि कैल्शियम की कमी है। अब हम अगर हड्डियों की बात करते हैं, जब हमारे हड्डियों में जब कैल्शियम कम होता है तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमारी हड्डी की डेंसिटी कम हो जाती है यानी कि हड्डी का घनत्व कम होने लगता है यानी कि उसकी थिकनेस कम होने लगती है और हड्डी वीक हो जाती है। इस प्रकार वीक हुई हड्डी कभी भी टूट भी सकती है। अगर हम माइंड की बात करें तो हमें कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन आने लगता है, हम चिड़चिड़ेपन हो जाते, हमारा जो स्वभाव होता है वो चेंज हो जाता है और हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें होने लगती हैं। अब हम अगर बच्चों की बात करते हैं और जिन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, अपनी बॉडी का वेट भी नहीं संभाल पाते हैं और आगे जाकर एक कैंसर डेवलप हो जाता है यानी कि रिकेट्स जैसा रोग हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल धीमी गति से होती है, बच्चे लंबे
लंबे समय के बाद चलना सीखते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी से हो सकती है। कैल्शियम की कमी से बच्चों के दांतों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है और उनके दांत टूटने लगते हैं और कभी कभार उनके दांतों में पस भी पड़ जाती है। तो इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम ये कैल्शियम की कमी से हो सकती है। और जिन महिलाओं और पुरुषों के जो बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है, तो हो सकता है एक कारण कैल्शियम की कमी हो सकता है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे शरीर की विशेष रूप से स्टेमिना कम हो जाती है, यानी कि हमारा इम्यून पावर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें और भी बहुत सारी बीमारियां होने के खतरे बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें, जितने मैंने आपकी प्रॉब्लम बताई इन सारी प्रॉब्लम का आप जरूर ध्यान रखें। और वैसे तो अगर आपको इस प्रकार की कभी भी प्रॉब्लम लगे तो आप जरूर अपना ब्लड चेक कराएं। ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम होता है, उसे आप जरूर चेक कराएं। और हमारे आजकल तो हमारे और बोन डेंसिटी चेकअप भी होता है, उसे भी जरूर कराएं, ताकि हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत पता लग जाए, ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम से हमें कभी भी आके जाके कोई बड़ी बीमारी न हो। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।